गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने की पहली सीढ़ी है। चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 10 अक्टूबर 2024 सप्तमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। आज राहु काल दोपहर 1:35 से दोपहर 3:02 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का योग है, वहीं चंद्रमा आज धनु राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज किन राशियों की चमकने वाली है किस्मत। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए आज छिपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि ये आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से बचाएगा। आज बचत किया हुआ पैसा आपके काम आ सकता है। परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह आपके मानसिक तनाव को कम करने में दवा की तरह असरदार साबित होगी। कार्यक्षेत्र में आप आज खुद को सकारात्मकता से भरा हुआ महसूस करेंगे। बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने की जरूरत। वृष राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आप माता पिता की मदद से आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को आज आप नजरअंदाज कीजिए। आज आपकी कोई आदत आपके प्रेमी को बुरी लग सकती है और वो आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे थे तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। आज आपकी राय किसी का बिगड़ा हुआ काम भी बना सकती है। मन की बातों को जुबान पर लाने की कोशिश करें, जीवन साथी के साथ विश्वास की डोर मजबूत होगी। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, सेहत को दुरुस्त करने के लिए योग या व्यायाम का आप सहारा लें। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिल सकता है। किसी इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा समय है। दिन उम्दा है, आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। दफ्तर में कामकाज आज सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। व्यापार में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आप आज ऊर्जा से भरपूर होंगे और कुछ असाधारण करने की क्षमता आज आप में रहेगी, मगर दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें। आज हर स्थिति में खुद को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, कई मामले वरना आपके गुस्से की वजह से आज बिगड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए आप वक्त का सदुपयोग करते हैं, ये अच्छी बात है। मगर परिवार को नजरअंदाज करना रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकता है, इसलिए ऐसी गलती करने से बचें। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज के दिन आराम करना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बीते दिनों का भारी मानसिक दबाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। पुराने निवेश के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त आपको सावधान रहना होगा। कलाकार और कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन काफी उत्पादक साबित होगा। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो ऊंची जगह पर हो। वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद का सामना आपको करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, योग और ध्यान आपको मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में मददगार साबित होंगे। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और फायदा मिलेगा। इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालिए और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। आज के दिन निवेश करने से बचना चाहिए। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को आज पूरा ना कर सकें। इस बात की इच्छा ना करें कि वे आपके मुताबिक काम करेंगे, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदलकर
आप पहल कीजिए, विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है। साथ ही एक बात और याद रखें कि अगर आप अपना ज्ञान और अनुभव औरों के साथ बांटेंगे तो निश्चय ही आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। बस स्थिति कोई भी हो, आप मेहनत करना ना छोड़ें। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। यूं तो आज आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च ना करें। आज जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। आज आप अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। खाली वक्त आज व्यर्थ की बहस पे खराब हो सकता है, जिससे दिन के अंत में आपको पछतावा भी होगा। धनु राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपको जल्द से जल्द अपने जज्बात को काबू करने में और डर से आजादी पाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं। आज आपको सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। करियर के नजरिए से शुरू किया गया सफर कारगर साबित होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर लें, नहीं तो बाद में आपत्ति भी वो कर सकते हैं। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब होने के चांसेस बन रहे हैं। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, जरूरत के वक्त आपको दोस्त का सहयोग मिलेगा। आपके लिए नए विचार आज फायदेमंद साबित होंगे। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते थे। आज आपके मन में प्रेम और स्नेह भी बना रहेगा। आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले आज घर परिवार में बात जरूर कर लें। आपको परिवार के सदस्यों का भी पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी कोई पेट संबंधित समस्या आज बढ़ सकती है, इसलिए सेहत का खास ख्याल रखें। दान पुण्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज आप अपने मनमोजी और जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, वरना आज आपके स्वभाव की वजह से कोई बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल होंगी। कार्यक्षेत्र में आप खुद को खास महसूस करेंगे। आज काम का दबाव रहने के बावजूद भी आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। बस वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। व्यवसायी कोई नई प्रॉपर्टी या फिर व्यापार का विस्तार आज कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज अपने विचार व्यक्त करने से हिचकिचाएं नहीं। आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी समस्या को और जटिल बनाएगा, साथ ही आपकी तरक्की में भी रोड़ा अटकाएगा। अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहें और परेशानियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करें। आज के दिन घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है। व्यापार में दिन सामान्य रहेगा। दफ्तर में भी आज ज्यादा कामकाज नहीं रहने वाला है। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक पॉजिटिव थॉट, हमेशा याद रखें, हमेशा अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनने दें, फिर सब कुछ सही होगा। चलिए, इसी विचार के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आशा करते हैं आपका दिन मंगलमय होगा। नमस्कार।